साथियों, आज हम बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की, जिसे मेलाज्मा भी बोलते हैं। इसका लक्षण है कि जब चेहरे पर भूरे भूरे या काले रंग के पैचेस आ जाते हैं या दाग हो जाता है, तो इसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। अक्सर ये माथे पे, गालों पर, ठोड़ी पर या कुछ पेशेंट्स के पैरों पर भी पाया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो सुंदर चेहरा खराब दिखता है, सौंदर्य में हमें नुकसान होता है, दूसरा अच्छा भी नहीं लगता, एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जिस पेशेंट्स को ये हो जाता है चेहरे पे। तो ये पहले हम जाने कि ऐसा होता क्यों है। ये हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जनरली उन मरीजों को होता है जो जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या इंसुलिन डिपेंडेंसी उन पर ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हो सकता है, या फिर जो पेशेंट है वो स्ट्रेस में ज़्यादा है या हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसमें कि हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंट्स ज़्यादा बनने लगते हैं। एक सामान्य मात्रा में तो सबके शरीर में होते हैं, जब पिगमेंट्स अधिक मात्रा में बनने लगे तो इसे हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। साथियों, इसका इलाज बहुत सरल है, आप घर पर इजीली इसका इलाज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे घरेलू इलाज जो आपकी रसोई में अवेलेबल हैं, और इजी गोइंग में यदि जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स हों, झाइयों की हो, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा हो, तो आप कैसे इसको दूर करेंगे और चेहरे पर ग्लो लाएंगे, तो आज जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू की। जी हाँ, नींबू, इसमें बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है इसके अंदर। जब हम नींबू के रस को, हमने एक नींबू का रस निचोड़ा, बाउल में रखा और रुई के फाई से जिस हिस्से में ब्लैक पैचेस है या पूरी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको सुखाना है कुछ देर तक, 10 मिनट तक। आप नींबू के रस को जब आप चेहरे पर लगाकर रखेंगे और उसके बाद सादे पानी से धो दीजिए, देखेंगे कुछ दिनों में धीरे धीरे जो हमारे पिगमेंट्स थे वो, उनका जो रंग है, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो धीरे धीरे से डाउन होने लगेगा और हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा। दूसरा, हल्दी। जी हाँ साथियों, हल्दी हम सबकी रसोई में पाई जाती है। आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है। आपने हल्दी को पानी में थोड़ा सा डाला, या गुलाब जल भी डाल सकते हैं या दही भी मिला सकते हैं। आपको पेस्ट बनाना है और इस पतले से पेस्ट को आपके जिस अंग में दाग हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, उस जगह पे आपको अप्लाई करना है। सूखने दें 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद सादे पानी से धो लें, देखिए क्या त्वचा आपकी चमकने लगेगी। तीसरा उपाय है एलोवेरा। जी हाँ साथियों, ये भी ऐसा पौधा है जो जनरली हर घर में मिल जाता है। आपने एलोवेरा की पत्ती को तोड़ा, उसमें से एलोवेरा जूस निकाला, और इस जूस को हम डायरेक्ट अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किन फ्रेंडली होता है एलोवेरा का जूस। आपने जूस को निकाला, स्किन पे लगाया डायरेक्ट, थोड़ा मसाज भी किया और लगाकर छोड़ दिया, ये सूख जाएगा। चाहें तो अब स्किन को आप धो सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खुला छोड़ सकते हैं, धोने की भी ज़रूरत नहीं। देखेंगे धीरे धीरे आपके दाग धब्बे कम होने लगेंगे।